नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। धर्मशाला स्टेप पर गए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सोमवार रात को सर्किट हाउस धर्मशाला पहुंचे अनुराग ठाकुर को साथ लगते कमरे में शोर शराबे और नाच गाने के कारण आधी रात को ही कमरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो पर्यटन निगम के होटल में रुके। सुरक्षा कर्मियों ने दो बार साथ लगते कमरे में नाचने गाने करने वाले पर्यटकों से शांत रहने के लिए कहा। एक बार तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने खुद उनसे शांत रहने की गुजारिश की, लेकिन वो नहीं माने। सोमवार को बिलासपुर में दिशा बैठक में भाग लेने के बाद मंगलवार को होने वाली बैठक के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सोमवार रात को ही धर्मशाला पहुंचे थे। करोड़ों की लागत से निर्मित सर्किट हाउस में गाने बजाने और शोर शराबे के कारण अनुराग की आधी रात को नींद टूट गई। अनुराग आधी रात को सर्किट हाउस को छोड़कर पर्यटन निगम के होटल कोतवाली बाजार पहुंचे, यहां उन्होंने रात बिताई। मंगलवार सुबह जिला प्रशासन को इस बात की भनक लगी तो उनके हाथ पांव फूल गए। अधिकारी माफी मांगने निगम के होटल आ पहुंचे। शोर शराबा करने वाले लोगों में प्रदेश सरकार में एक बड़े नेता के परिवार के भी लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसके चलते ना प्रशासन और ना पुलिस के आला अफसर आधी रात को उनके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी बात की भनक राजनीतिक गलियारे में लग चुकी है तो प्रशासन मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में पेश आए इस मामले की सूचना पार्टी हाई कमान तक पहुंच चुकी है। उधर अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा राहुल कुमार ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के सर्किट हाउस में आधी रात को निकलने की सूचना उन्हें अगली सुबह मिली। मामले में अधिक जानकारी SC2DC कार्यालय से मिल सकती है, वहीं से सर्किट हाउस के कमरों की बुकिंग होती है। उधर पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुख रंजन ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को साथ वाले कमरे में शोर के कारण परेशानी हो रही थी, इसके बाद वो सर्किट हाउस से होटल धौलाधर शिफ्ट हो गए।